आप देख रहे हैं एक नया प्रयास, हम हैं बंटी राजभर और आज हम बात करेंगे कि इस जो साप्ताहिक लॉकडाउन है, आज सैटरडे है और 17 जुलाई को कासमाबाद तहसील पे भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी का प्रोग्राम था, जो कि महाराजा सुहेलदेव सम्मान यात्रा आज निकाले हैं और वहाँ पे हमारे इस वीडियो में देखेंगे, लगातार हमारे साथ बन रहे वीडियो, 1000 से ज़्यादा लोगों की भीड़ वहाँ पर इकट्ठा थी, लेकिन लोगों को लॉकडाउन का कोई फर्क नहीं था और उसी के साथ ना तो कोई मास्क लगाया था, ना तो किसी को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल था और साथ में खुद तो खुद कैबिनेट मंत्री जी भी को ख्याल इस बात की नहीं थी और यहाँ के सत्ताधारी लोग और प्रशासन के लोग भी, उन लोगों को भी ये बात नहीं दिख रही थी कि नहीं आज साप्ताहिक लॉकडाउन है और वो लोग यहाँ पर प्रोग्राम कर रहे हैं, 1000 लोगों की भीड़ इकट्ठा करके महाराजा सुहेलदेव सम्मान यात्रा आज निकाले हैं, उन्हीं के बात अनिल राजभर जी से बात करने के लिए भी बोले तो बात करने से इनकार कर दिया और उनके भाषण को आप सुनिए कि अपने भाषण में क्या क्या बोले। और किताबों में पढ़ी हुई नौजवान साथियों से मैं कहना चाहता हूं, हालांकि सब हिंदू समाज के लोगों को इस बात को जानना चाहिए, लेकिन सबसे पहले राजभर समाज के हमारे जो नौजवान हैं, हम उनसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि जरा इतिहास को आप जानो। भगवान श्री राम के बारे में भी संचालक महोदय ने चर्चा की और जो लड़ाई गाजी के खिलाफ बहराइच की धरती पर चित्तौरा के मैदान में हमारे पुरखे ने, हमारे पूर्वज ने, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर ने लड़ने का काम किया, वो लड़ाई क्यों हुई, इस बात को भी जानना चाहिए और समझना चाहिए। देश में लोगों ने बताया, कभी बहराइच के इलाके में आप जाना, श्रावस्ती की धरती पर आप कभी जाओगे तो वहां के पुरखे, वहां के बुजुर्ग, वहां के पुरनिया आपको बताएंगे कि भगवान भोलेनाथ के राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी कितने बड़े भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे। और राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव को मारने का काम किसी ने नहीं किया, बल्कि गाजी की 5 लाख सेनाओं के साथ साथ सैयद सलार मसूद की गर्दन को भी काटने का काम राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव ने किया। महाराजा सुहेलदेव अमर रहे। और एक समय ऐसा आया जब उम्र के आखिरी पड़ाव पर महाराजा सुहेलदेव थे, तो आप बहराइच में जाएंगे तो यह भी पता लगेगा कि वहां सुहेलवा जंगल है, सुहेलवा नदी भी बहती है, वहां के नदी का नाम भी राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर, वहां के जंगल का नाम भी जो 42 किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है, उस जंगल का नाम भी सुहेलवा जंगल है। और उस जंगल में बैठकर एक समय ऐसा था कि भगवान भोलेनाथ की, शंकर भगवान की आराधना करने का काम राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर ने किया था। और भोलेनाथ को याद करते करते उन्होंने अपने प्राण को त्यागने का काम किया था। इसलिए भगवान भोलेनाथ को भी याद करना जरूरी है। और वो जो लड़ाई, जिस लड़ाई ने राजभरों को पहचान दिया, जिस लड़ाई ने राजभरों को सम्मान दिया, जिस लड़ाई की वजह से हमारी आपकी पहचान बनी हुई है, हमको आपको सम्मान मिल रहा है, वो लड़ाई भी इसलिए हुई कि सैयद सलार मसूद गाजी भगवान श्री राम की अयोध्या पर आक्रमण करने वाला था। बाबर तो बाद में आया, लेकिन महाराजा सुहेलदेव के जमाने में ही भगवान श्री राम की अयोध्या पर आक्रमण करने के लिए, कब्जा करने के लिए अयोध्या पर सैयद सलार मसूद जाने वाला था।
और तब देश को बचाने के लिए, हिंदू और हिंदुस्तान को बचाने के लिए, इस माटी को बचाने के लिए, मां बहनों की इज्जत और आबरू को बचाने के लिए हमारे पुरखे ने, हमारे पूर्वज ने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने का काम किया, तो किस लिए? भगवान श्री राम की अयोध्या को बचाने के। नहीं, बाबर तो बाद में आया। अगर उस जमाने में हमारे पुरखे ने सैयद सलार मसूद को रोका नहीं होता, तो उसी जमाने में भगवान श्री राम की अयोध्या पर कब्जा हो गया होता। और जिस तरह से सैयद सलार मसूद और गजनवी ने मिलकर गुजरात की धरती पर सोमनाथ की मंदिर पर कब्जा करके लूटने का काम किया था, उसी तर्ज पर अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर को भी अगर महाराजा सुहेलदेव ने नहीं रोका होता, तो उसी जमाने में सैयद सलार मसूद ने कब्जा कर लिया होता। तो यह भी जानना चाहिए कि आपके पुरखे नहीं होते, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी नहीं रहे होते, तो उसी जमाने में अयोध्या पर कब्जा हो गया होता। उस जमाने में अयोध्या को बचाने का काम, भगवान श्री राम की अयोध्या को बचाने का काम किसी के अंदर ताकत नहीं थी, सैयद सलार मसूद का सामना करने की हिम्मत हिंदुस्तान में पैदा होने वाले उस जमाने के किसी राजा में नहीं थी। अगर किसी के अंदर थी तो उसका नाम राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर था, इसके अलावा किसी के अंदर महाराजा सुहेलदेव राजभर। तब उन्होंने रोका चित्तौड़ा के मैदान पर, और जिस मैदान पर आज की तारीख में 16 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन आज देश ही नहीं दुनिया के सबसे ताकतवर नेता पूज्य नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक भव्य स्मारक बनाने का संकल्प लिया और उसकी आधारशिला को रखने का काम उसी चित्तौड़ा के मैदान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी जी के नेतृत्व में करने जा रहा। तो भगवान श्री राम का भी नारा लगना चाहिए। हम भाजपा के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, और कभी बहराइच के इलाके में जाइए, राजभर समाज के हमारे बुजुर्गों, हमारे नौजवानों, बहराइच के इलाके में जाइए तो महाराजा सुहेलदेव के सम्मान पर अगर कोई आज नहीं सैकड़ों वर्षों से अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है, तो विश्व हिंदू परिषद के लोग वो लड़ाई लड़ने का काम कर। जय श्री राम। वो लड़ाई लड़ी जा रही है। जय श्री राम। जय श्री राम। तो इसलिए हम कहा चाहते जय श्री राम। भैया हम बीच में नारा मत। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं, समय कम है, हमें इतिहास लिखने वालों से बहुत शिकायत है, और सच कह रहा हूं कि अगर हमारे इतिहास को किसी ने दबाने का काम किया, तो इस देश के अंदर जो कम्युनिस्ट लेखक हैं उन लोगों ने दबाने का काम किया, हमारे इतिहास को खराब करने का काम किया। तो इतिहासकारों से तो हमको बहुत शिकायत है, लेकिन आज क्या हो रहा है? ये यात्रा क्यों है? ये गर्मी के दिन पर सड़क पर निकलकर राजभर समाज का हमारा नौजवान तनी एक पगड़ी मुंह से हमसे बनवा दिया, देखा खड़ा हुआ ना सफेद गमछा लेके जी, अरे एक पगड़ी उनकी हम बांधेंगे। भैया पीछे नौजवान के भी आप भी आ जाओ, उन्हों के बुला ले। हाँ बिल्कुल आइए, हमने देखा है फोटो, आइए आइए। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं राजभर समाज के हमारे बुजुर्गों, नौजवानों, हमारी माँ बहनों, आज गाजीपुर की माटी पर, जहूराबाद की धरती पर आज क्या कारण है कि आप सड़क पर निकल रहे हैं? बड़ी उम्मीद के साथ, बड़ा सपना सजाकर हमने अपनी गरीबी को मिटाने के लिए, समाज में सम्मान पाने के लिए, और महाराजा राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के सम्मान को बढ़ाने के लिए, उनके गौरव को बढ़ाने के लिए हमने एक पार्टी बनाई थी,
और पार्टी बने 18 बरस हो गया। अनिल राजभर आपसे सवाल करने आया है कि उस पार्टी ने और उसके नेता ने आपको क्या दिया है, समाज को क्या दिया है। राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के सम्मान में क्या कभी एक भी कदम चलने का काम हुआ है? और आज बेशर्मी की हद है, जिसका नाम लेकर 18 बरस तक राजनीति की रोटी खा रहे हैं, 18 वर्ष हो गए। नहीं क्या था, चलिए बनारस, खौदा गांव में चलिए, सिंधोरा के इलाके में चलिए और पता लगाइए कि उनके पास क्या था। लेकिन राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के नाम ने, जिसका नाम जोड़कर उन्होंने पार्टी बनाया, उनके नाम ने और ये गरीब समाज जो यहां पर हमारा खड़ा है, इनकी ताकत ने जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा दिया, फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। और आज राजनैतिक स्वार्थ में इतना पागल हो गए कि अपने भला के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हम समाज का नुकसान कर रहे हैं, समाज का अपमान कर रहे हैं, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव का अपमान कर रहे हैं। यह भी समझ में नहीं आ रहा है, फैसला आप करना। बनारस के अंदर, लखनऊ के अंदर अखबार के लोगों ने हमसे पूछा, मीडिया के लोगों ने हमसे पूछा, हमने कहा कि अब फैसला तो राजभर समाज ही करेगा, फैसला राजभर समाज करेगा। और शर्म नहीं आती है जो दलील दी जा रही है। मैं कहता हूं आपको सोचना पड़ेगा कौन है सैयद सलार मसरूर। पहले उसका नाम था, क्या था? सैयद सलार मसूद। फिर बाद में नाम उसका क्या हो गया? सैयद सलार मसूद गाजी। और गाजी किसको कहते हैं? उसको गाजी की उपाधि कैसे मिली? उसको गाजी की उपाधि ऐसे मिली कि उसने हिंदुओं का, राजभर समाज के लोगों का जब हत्या करना शुरू किया, जब मारना शुरू किया, मां बहनों की इज्जत आबरू से खेलना शुरू किया, तो जो जितना हिंदुओं को मारेगा, राजभरों को मारेगा, तो उसको क्या दिया जाता है? गाजी की उपाधि दी जाती है। दी जाती है ना, ये ताली बजाने वाला काम नहीं है, ये समझने की बात है कि गाजी की उपाधि किसको दी जाती है। आप लोग भी पता लगाइए, जो मुस्लिम समाज का आदमी जितना ज्यादा गर्दन काटेगा हिंदुओं का, उसको उतनी बड़ी उपाधि, और सबसे बड़ी उपाधि क्या? गाजी की उपाधि। गर्दन काटने वाले को गाजी की उपाधि, और सैयद सलार मसूद को गाजी की उपाधि तब दी गई जब अंबेडकर नगर की धरती पर सुरहुरपुर गांव में, जहां पर महाराजा सुहेलदेव पैदा हुए अपने ननिहाल में, जब एक ही दिन 5000 राजभरों की गर्दन को काटने का काम सुहेलदेव महाराज के ननिहाल में जब सैयद सलार मसूद ने किया, तब जाकर मुसलमान समाज के मौलवियों ने सैयद सलार मसूद को गाजी की उपाधि दी। 5000 राजभर को मारा, तब जाके उसको गाजी की उपाधि दी गई। गाजी कौन? जिससे हमारा देश लड़ा। गाजी कौन? जिससे राजभरों की लड़ाई हुई। गाजी कौन? जिससे राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर की लड़ाई हुई। अब उसकी तुलना मुफ्ती से आप नहीं कर सकते। कहते हैं कि भाजपा व भाजपा में भी मुसलमान है, तो नेताजी सुन लो,
जो हमारे साथ मुसलमान है, जो भाजपा में मुसलमान है, भारत माता का जयकारा लगाने में, भारत माता की जिंदाबाद बोलने में उनको शर्म नहीं आएगी। तुम ओबैसी से नारा लगाकर दिखवाओ मुझे, अगर तुम मसली बाप के बेटा हो तो। अनिल राजभर चुनौती देता है कि जिस तरह से यह वीर अब्दुल हमीद की माटी है गाजीपुर की धरती, वीर अब्दुल हमीद को सम्मान दो, अनिल राजभर भी सम्मान देता है। जिसने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी, अशफाकुल्ला खान जिसने देश को आजाद कराने के लिए फांसी के फंदे पर चढ़ गया, आप सम्मान दो, मैं भी सम्मान करता हूं। एपीजे अब्दुल कलाम जो इस देश के राष्ट्रपति थे, आप सम्मान करो, हम भी सम्मान करते हैं। तो अनिल राजभर के साथ, भाजपा के साथ जो मुसलमान रहते हैं वो हिंदुस्तान की भी जिंदाबाद बोलते हैं, भारत की भी जिंदाबाद बोलते हैं। वंदे मातरम बोलने में उनको शर्म नहीं आती है, भारत माता का जयकारा लगाने में उनको शर्म नहीं आती है। और तुम्हारे साथ जो ओबैसी रहता है बहराइच की धरती पर जाकर, ओम प्रकाश राजभर तुम्हारी और तुम्हारे नेता ओबैसी का चेहरा बेनकाब हो गया है। गया कहा? अगर राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव को जाकर पहला माला पहनाता तब मैं जानता कि हिंदुस्तान की धरती से उसको प्यार है, लेकिन ऐसा नहीं किया। इस देश के लिए लड़ाई किसने लड़ी? समाज को बचाने के लिए लड़ाई किसने लड़ी? राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव ने लड़ी। तो पहला माला विदेशी को पढ़ना चाहिए कि राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव को पढ़ना चाहिए? गाजी को लेकर कहां ओम प्रकाश चले गए, और ओबैसी को लेकर गाजी के मजार पर चले गए। राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के नाम की रोटी खाओगे और सम्मान करोगे गाजी से, जो राजभरों का दुश्मन है, इस देश का दुश्मन है। राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव का दुश्मन था, आप उसका सम्मान करोगे? और राजभर समाज हमारा तमाशा देखेगा क्या? हमको आपको तय करना पड़ेगा, अपने पीढ़ियों के लिए तय करना पड़ेगा, आने वाले बच्चों की जिंदगी के लिए तय करना पड़ेगा आपको कि समाज को धोखा देने वाले लोग, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के सम्मान के साथ समझौता करने वाले लोग राजनीति में रहेंगे कि महाराजा सुहेलदेव का सम्मान करने वाले लोग राजनीति में रहेंगे? गाजीपुर की धरती पर या जहूराबाद की माटी पर राजभर समाज के लोगों, आपको तय करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि यह समाज गाजी के रास्ते पर चलेगा कि महाराजा सुहेलदेव के रास्ते पर चलेगा, यह आपको तय करना पड़ेगा। ओम प्रकाश राजभर, गाजी के रास्ते पर चल रहे हैं, वो वैसे के रास्ते पर चल रहे हैं, आपको तय करना है कि आप गाजी के रास्ते पर जाओगे कि राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के रास्ते पर जाओगे, ये आपको तय करना पड़ेगा। और इस तरह मत तय करो, अपने घर में बैठकर तमाशा मत देखो, नहीं तुम्हारे इतिहास को मिटा दिया जाएगा। ये नेता अपने राजनीति के स्वार्थ में पूरे के पूरे समाज को कई बार बेचते और खरीदते रहे हैं, और एक बार फिर बेचने का उपाय लगा रहे हैं। आप खड़ा हो जाओ, घर से बाहर निकलो और मुट्ठी तान कर जहूराबाद की धरती पर, गाजीपुर की माटी पर, पूर्वांचल की इस धरती पर मुट्ठी तान कर महाराजा सुहेलदेव के सम्मान में इनकलाब बोलना पड़ेगा आपको, तब जाकर आपको सम्मान मिलेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए हम लोग कहने आए हैं, हमारे साथियों ने, यहां बैठे बुद्धिजीवियों ने, हमारे प्रमुख जी यहां पर विराजमान है, हमारे भाई की तरह हमारे साथ रहने वाले शिवप्रताप जी यहां पर बैठे थे, हमारे बड़े भाई नंदा राजभर जी यहां पर बैठे थे, हम बाबू जी का वीडियो सुन रहे थे, ये नौजवान है ये बोल रहे थे, इनका भी वीडियो हमने सुना है, इन लोगों की बात हम सुन रहे थे।